मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री अपने 5 सालों की उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रहे, बल्कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए चौकीदार, गरीब, चाय वाला बताते हुए वोट मांग रहे। पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या किया जो आगे के 5 वर्षों के लिए उनको वोट दे के लाया जाए? क्या उन्होंने लोकतंत्र मजबूत किया? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाकर लोगों का जीना आसान किया? चौकीदार नहीं है, भागीदार है। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, हमें गर्व है इस बात। नमस्कार, मैं प्रस्तुत शर्मा आपका स्वागत करता हूँ टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स के आपके अपने शो राजनीति कल्चर लाइव में। सोचिए, कभी दुनिया के किसी देश के चुनाव में आपने सुना कि प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहे और जनता जोर जोर से तालियां बजाए? दुनिया में क्या किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपने आप को चौकीदार, कभी चाय वाला, कभी गंगा का लाल कहते हुए वोट मांगे? जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में कई सारे राष्ट्रपति और राजनेता बहुत पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कामयाबी की सफल और सफलता की मिसालें कायम कर दी। लेकिन किसी ने भी जनता के बीच लोकतांत्रिक चुनाव में ये कहते हुए वोट नहीं मांगे कि मैं चाय वाला हूँ, और ना ये कहा कि विरोधी गाली दे रहे हैं तो गालियाँ मेरे लिए गहने के जैसे हैं। ओबामा, जैसे कि हम जानते हैं कि एक अश्वेत परिवार से थे, या फिर मार्गरेट थैचर पंसारी की दुकान के परिवार से थी, लेकिन ओबामा कभी भी नस्लवेदी टिप्पणी पर बोलते हुए नहीं मिले, और ना ही उन्होंने बिन लादेन को मारने के हवाले से वोट मांगने की कोशिश की, और ना ही हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कभी सुना कि विरोधियों की आलोचना गाली है, गाली मेरे लिए गहना है। दुनिया के हर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने उस पद का सम्मान और मान रखते हैं, तो नरेंद्र मोदी क्यों जुमलेबाजी करते हैं? क्या ऐसा करना अपने आप में ये नहीं बताता कि पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री वाला काम नहीं किया? मोदी जी सेवक बने, कभी चाय वाले बने, कभी चौकीदार बने, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उनका काम, व्यवहार और नेतृत्व नहीं झलका। तभी दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ वो भारत में आज है। तो साफ है कि या तो नरेंद्र मोदी बीमार है, या फिर हमारे देश की जनता मन बुद्धि है। मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री अपने 5 सालों की उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रहे, बल्कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए चौकीदार, गरीब, चाय वाला बताते हुए वोट मांग रहे। वो अपनी और अपने चेहरे की मार्केटिंग में लगे हुए हैं, ना कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के काम की, ना कि अपनी सरकार की उपलब्धियों की। वो बता रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ तो मेरे साथ साथ 90 करोड़ मतदाता भी चौकीदार हैं। मोदी जी ने अनजाने में बताया कि उन्होंने 5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ ये साबित किया है कि वो बाकी सब कुछ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रहे। यही चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कि मोदी जी 5 वर्षों में प्रधानमंत्री थे या चाय वाले थे, या प्रधानमंत्री थे या प्रचार मंत्री थे, काम करने वाले थे कि बोलने वाले थे। पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या किया जो आगे के 5 वर्षों के लिए उनको वोट दे के लाया जाए? क्या उन्होंने लोकतंत्र मजबूत किया? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाकर लोगों का जीना आसान किया? क्या आतंक खत्म हुआ? क्या कश्मीर शांत हुआ? क्या देश की राजनीति और देश के सभी राजनेता सभ्य और अच्छे हो गए? लेकिन 125 करोड़ लोगों में ये सोचने की फुर्सत कहाँ है? चौकीदार के जागते रहो के शोर के खौफ में मन बुद्धि लोग दुबके हुए। कैसे हिम्मत बने कि चौकीदार से कहें कि बहुत शोर हो लिया, अब सोने दो, और सुबह ताज़े दिमाग से फैसला लेंगे कि रात को जो खौफ, झूठ और हल्ला आपने बनाया है उसके बाद आपको वापस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो भारत का लोकतंत्र आज सभी तरह से बीमार है। राजा बीमार है, प्रजा भी बीमार है। प्रधानमंत्री का चौकीदार बनना और जनता का खौफ में या फिर दीवानगी में चौकीदार को पूजना भी बीमारी का एक प्रमाण है। इसलिए नोट करके रखें कि दुनिया में भारत आज सबसे बीमार देशों में माना जा रहा है। दुनिया का हर समझदार नेता भारत के 125 करोड़ लोगों को और उनके चुनावी बहस को देखकर यही सोच रहा होगा कि ये कैसा देश है और किस दिशा में जा रहा है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे।